आपको याद है बचपन में हम वन या टू रुपीज़ के एक ना स्टिक से आती होती थी, थी। आइसक्रीम की ठंडी ठंडी और मतलब उसके अंदर कोला तो तो फ्लेवर औरेंज फ्लेवर ऐसे ऐसे फ्लेवर्स होते थे वो मेरे को ना मैं मिलते ही नहीं है बट मुझे ना ऐसा कुछ रिक्रिएट करना था मैंने ना सबसे ईजिएस्ट ये देखना क्या हुआ मेरे साथ किस साथ ये चीज़ लाइफ में हो रखी है मेरे ख्याल से हर किसी के साथ हो रखी है कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं तो फिर मेरे को ना वो रिक्रिएट करनी थी और मुझे सबसे ईजिएस्ट वे लगा कि मैं ना बहुत सारी वो लेकर आती हूँ कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती हूँ मार्केट से जितनी भी मिलती है जितने भी ऑप्शन उन सबको तो फ्रीज़ कर देती हूँ और देखते हैं कैसा टेस्ट होता है उसका मैंने कभी ट्राई नहीं करा क्या आपने कभी ट्राई करा वैसे किसी के साथ हो सकता है ऐसा जब वो गलती से फ्रीज़र में रखते हैं ठंडी करने के लिए और एकदम बर्फ़ बन जाए <laughs> ऐसा एक और चीज़ के साथ होता हैदास में जाती हूँ किसी तो मैंने ना क्या क्या ली बताना अपनी फेवरेट कौन सी है कॉमेंट सेक्शन में कोगोला मरिंडा ट्यू लिमका आई नो मैं सारी नहीं ले पाई पर मेरे को पास वाली शॉप से जो जो मिली मैं वो सब ले आई और माजा और किसको लगता है माजा और फ्रूटी का टेस्ट एकदम सेम सेम होता है और 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 स्प्राइट मतलब ये सारी ली कोल्ड ड्रिंक्स मैं बस पांच ऑप्शन देख रहा हूँ कितनी बार साफ़ करना पड़ता है यार बहुत गिरता है रील्स में दिखता नहीं है बट लॉन्ग वीडियो देख रहा हो तब पता चलेगा कि क्या होता है और ना मेरे पास ना पांच ऑप्शन तो हो गए छठा मैंने सोचा क्या करूँ मैंने ना बियर फ्रीज़ कर दी और ऐसा ना बहुत सारे लोगों के साथ होता है बच्चे इस चीज़ पे ध्यान दें पर ऐसा बहुत बड़े होता है कि फ्रीज़र में मान लो किसी ने बियर रखी और वो गलती से एकदम आइस हो जाती है मैंने सोचा यार कभी इसकी आइसक्रीम बना के भी देखेंगे तो कैसे लगेगी पॉप्सिकल टाइप तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई वो छोड़ो तो फिर मैंने क्या करा कि छः पाँच पाँच कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे फ्रीज़ कर दी और इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा लगता है आप होते इसमें से तो कौन सी वाली चूज़ करते हैं वैसे ही गर्मी इतनी है, मन करता है सब कुछ बर्फ़ बना के खा लो सब कुछ बर्फ़ के फॉर्म में खा लो भाई इतनी गर्मी इतनी गर्मी मेरे से सहन नहीं होती बाहर जाके काम करना बड़ा मुश्किल है मैंने सोचा था मैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू में बहुत बाहर जाऊंगी बहुत, बहुत आपको नई नई चीज़ें दिखाऊंगी इंडिया का पूरा खान दिखाऊंगी पर भाई गर्मी मेरे तो स्किन एलर्जी होगी मैंने ब्लॉग चैनल में दिखाया था किसी ने देखा हालत खराब चलो पहले देखते हैं कि कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी खोली है सबसे पहले खोली कोका कोला फिर मादा फिर उसके बाद लिमका और उसकी सेम सेम थी स्प्राइट की किया ये और ये माइंड माउंटेन ड्यू माउंटेन ड्यू ही है ना ये जो हल्की हल्की यलो होती है स्पाइट होती है कन्फ्यूज़ होगी मैं और एक किस कोने वाली बियर ये सब करा आप होते तो इसमें से कौन सी वाली चूज़ करते मैं तो नहीं यार सारी अच्छी लग रही है आप बता तो कौन से चूज करते हैं के लिए बताओ शेयर कर सचिन को ट्राई करनी चाहिए कि ये फ्रीज करके देखते हैं और मतलब ट्राई करते हैं कि भाई फ्रीज कर दे लगा दे बोतल फ्रीज में आज रात को यही खाएंगे पियेंगे नहीं <laughs> सब्सक्राइब कर दो चैनल को अभी तक नहीं किया तो